हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे को एक सेल दिया गया है जिसमें एनोड तो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का और कैथोड है कॉपर का, ठीक है। तो अपन एनोड की रिएक्शन देख लेते हैं। एनोड पर जो रिएक्शन होती है हमेशा ऑक्सीडेशन की होती है, तो H2 गैस कन्वर्ट होगी 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड में हमेशा रिडक्शन, सो Cu प्लस 2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू Cu प्लस 2 सॉलिड। सो नेट सेल रिएक्शन क्या आ जाएगी? नेट सेल रिएक्शन दोनों को ऐड कर लो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, ये हो जाएगा H2 गैस प्लस Cu प्लस 2 एक्वस, इससे आपको मिलेगा 2H प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड, ठीक है। तो इसके डेटा हमारे को दे रखे हैं, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर हमारे को दे रखा है क्वेश्चन में 180 m, Cu प्लस 2 की कंसंट्रेशन दे रखी है 1 मोलर, यहाँ से हमारे को ये फाइंड आउट करना ही है और सॉलिड की हमारे को कोई जरूरत होती नहीं है। तो नेक्स्ट इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए इसने डेटा सारे दिए हैं, लेकिन इन डेटा को अगर आप यूज करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी। उसने हमारे से क्लोजेस्ट वैल्यू पूछी है, तो हम याद रखते हैं पहले से ही नेक्स्ट इक्वेशन के लिए कि E सेल इक्वल्स टू होता है E नॉट सेल माइनस 0.06 ऑलमोस्ट अपॉन N log of Q। वैल्यू पुट कर लेते हैं। हाइड्रोजन सेल का E नॉट 0 होता है, कॉपर का E नॉट हमारे को इसने दे रखा है 0.34 वोल्ट, और E सेल भी हमारे को इसने दे रखा है 0.49। वैल्यू रख लेता हूं मैं, ये हो जाएगा 0.49 इक्वल्स टू 0.34 माइनस 0.06। पूरी इक्वेशन में दो इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो n की वैल्यू तो हो गई 2 लॉग ऑफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन H2 गैस का प्रेशर 180 m और Cu प्लस 2 की कंसंट्रेशन भी 1, सो 1 इंटू 1। तो यहां से हम बहुत ही आसानी से pH निकाल सकते हैं, ये वैल्यू हो गई 0.15 इक्वल्स टू, ये वैल्यू हो गई 0.06 बाय 2, ये 2 आगे ले लेता हूं, इंटू 2 माइनस log ऑफ H प्लस को मैं सीधे लिख देता हूं pH, क्योंकि यही हमारे को फाइंड आउट करना है। तो ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास, pH की वैल्यू हमारे पास आ गई 2.5। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी।